प्रधानमंत्री जी का आज मन की बात का 100वां एपिसोड और बहुत ही क्योंकि 100वां एपिसोड था इसलिए हमने भी उसको योजना से हरियाणा भर में बड़ी संख्या में लोग इसको देखें सुने और एक सार जो है 100वें एपिसोड का आज उन्होंने उस पर चर्चा की। अच्छी बात यह है कि इन एपिसोड्स में हरियाणा की चर्चा वैसे तो बहुत बार हुई, उसमें आज इन्होंने शुरुआत जो की वो हरियाणा सुनील सांगवान जी का जो सेल्फी विद डॉटर ये जो अभियान था, बीबीपुर गांव जींद के वो रहने वाले हैं और उन्होंने इस अभियान के नाते से भले सहज अपनी एक प्रक्रिया दी होगी लेकिन देश में न केवल देश में बल्कि दुनिया में उसका प्रचार हुआ और उसी प्रकार से हरियाणा की कई बातों का उन्होंने जिक्र किया। इसी प्रकार उन्होंने एक बार चर्चा की थी भिवानी जिले के दुल्हेड़ी गाँव की, गलेड़ी गांव के नौजवान स्वच्छता अभियान में कितना बड़ा काम कर सकते हैं, तो ऐसी कई बातों की चर्चाएं उन्होंने उस समय की थी। मन की बात के अंदर उल्लेख होने से ये सारे विषय अभियान का रूप ले लेते हैं और लोगों को एक प्रेरणा मिलती है कि ये काम हमको भी करना चाहिए, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे नशा मुक्ति के अभियान में सहयोग हो और चाहे प्रगतिशील किसानों का एक बात कही उन्होंने, पानी को बचाने की बात कही है, एनवायरमेंट की बात कही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही है उन्होंने, तो ऐसे बहुत से विषयों पर चर्चा करते हुए हरियाणा का उल्लेख करते हुए हरियाणा की जनता को भी इससे उत्साह मिलता है और मैं समझता हूँ देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने के लिए सारे देश के लोग एक साथ जब मन की बात में बैठते हैं और एक निश्चित समय पर बैठते हैं तो लोगों में एक दूसरे के साथ जुड़ने का भाव जागृत होता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना है वो भी पैदा होती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक काम देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री ने किया। आज भी अनुमान से बताया जा रहा है कि 3 करोड़ लोगों ने इस एपिसोड को आज सुना है। कुल व्यूअरशिप अभी तक 100 के 100 एपिसोड की एक सर्वे के हिसाब से जो उन्होंने बताया है वो लगभग 100 करोड़ है। हरियाणा में भी आज 10 लाख से ऊपर लोगों ने इस समय इस कार्यक्रम को सुना है। एक व्यवस्थित कार्यक्रम आज सारे हरियाणा में किया गया।